एग्जाम्पल एम स्क्वायर माइनस फाइव एम माइनस थ्री अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल यू हैव टू राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सो यू हैव टू ट्रांसपोज दिस माइनस थ्री फ्रॉम राइट टू लेफ्ट माइनस थ्री बिकम्स प्लस थ्री एंड दिस बिकम एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस इज इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन टू मेक द पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर लेट एड द सुटेबल टर्म टू दिस फर्स्ट टू टर्म्स सो यू हैव टू एड सुटेबल टर्म टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम सो आई विल एड के टू द एम स्क्वायर माइनस फाइव एम एट दैट टाइम दिस पॉलिनोमियल एम प्लस एम बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर सो यू हैव टू राइट दिस एज इट इज एंड यू हैव टू एक्सपांड दिस एम स्क्वायर माइनस टू एम एन प्लस एन स्क्वायर सो इक्वेट दिस टर्म्स ऑफ द एम विद द एम एंड टर्म्स ऑफ द के विद द एन स्क्वायर सो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर टर्म सो माइनस फाइव एम इज इक्वल टू टू एम एन मल्टीप्लाइड बाय टू एम यू हैव टू ट्रांसपोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय टू एम बिकम डिवाइडेड बाय टू एम यू हैव टू स्ट्राइक दिस एम विद एम दिस बिकम माइनस फाइव अपॉन टू एन इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू एन इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू यू हैव टू पुट इन द के एट दैट टाइम के इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव एंड टू स्क्वायर इज फोर दिस इज द स्क्वायर टर्म दिस इज द स्क्वायर टर्म मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर टर्म एंड यू हैव टू एड द स्क्वायर टर्म टू द लेफ्ट ऑफ दिस इक्वेशन आवर ओरिजिनल एक्सप्रेशन इज एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो देन एड एंड सब्सट्रैक्ट द स्क्वायर टर्म इन द अबव इक्वेशन द स्क्वायर टर्म इज 25 अपॉन 4 सो यू हैव टू एड एंड सब्सट्रैक्ट द स्क्वायर टर्म इन द अबव इक्वेशन एंड यू हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस फाइव एम टूगेदर विथ प्लस 25 अपॉन 4 एंड प्लस 3 माइनस 25 अपॉन 4 राइट टूगेदर देन यू हैव टू राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड द लास्ट टू टर्म्स यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड द स्क्वायर ऑफ द लास्ट टू टर्म्स इफ यू वॉन्ट टू राइट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स एट दैट टाइम एम एज इट इज यू हैव टू राइट देन एम स्क्वायर एज इट इज यू हैव टू राइट माइनस फाइव एम एज इट इज यू हैव टू राइट दिस 25 अपॉन 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 25 अपॉन 4 यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस यू हैव टू राइट इन द फॉर्म फर्स्ट थ्री टर्म्स यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर सो आई विल राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज दिस 5 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर यू हैव टू राइट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 यू हैव टू डू इज इक्वल टू 0 देन दिस m माइनस 5 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर दिस 4 3 आर 12 माइनस 25 1 आर 25 प्लस 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 4 यू हैव टू राइट दिस टर्म एज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर दिस 13 यू विल राइट लाइक दिस 13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर सो आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन दिस यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ a square minus b square bracket you have to write a plus b in another bracket you have to write a minus b this will come m minus 5 upon 2 plus square root of 13 upon 2 m minus 5 upon 2 minus square root of 13 upon 2 equate these factors with 0 this m minus 5 upon 2 plus 13 upon 2 is equal to 0 m minus 5 upon 2 minus square root of 13 upon 2 is equal to 0 then m is equal to you have to transpose this minus 5 upon 2 and plus 13 upon square root of 13 upon 2 then m you want to transpose you have to if you want to find out m you have to transpose these two terms here you have to transpose this term at that time m is equal to this minus 5 upon 2 becomes plus 5 upon 2 my plus square root of 13 upon 2 becomes minus square root of 13 upon 2 m is equal to minus 5 upon 2 becomes plus 5 upon 2 minus square root of 13 upon 2 becomes plus square root of 13 upon 2 here denominator is same that time you have to write the denominator only once add or subtract the numerator this 5 minus square root of 3 of 13 upon 2 will come m is equal to 5 plus square root of 13 upon 2 will come so you have to say that m is equal to 5 minus square root of 13 upon 2 and m is equal to 5 plus square root of 13 upon 2 are the roots of the given quadratic equation I think you understand these things you have to write all these things properly in the notebook